नमस्कार, मैं शंकर हूँ और मैं इस बार फिर से हिंदुस्तान की चार्ट देख रहा था और उसमें कोविड के बारे में मतलब अपना डिस्कशन करने के लिए सोच रहा था। हमारी जो दशा चल रही, चंद्रमा और शनि की दशा चल रही है। अभी चंद्रमा शनि में शुक्र, तो चंद्रमा और शनि दोनों तीसरे घर में। तीसरा घर जो होता है, हालांकि कम्युनिकेशन का घर है और लोगों से बातचीत का घर है, मगर आठवें से आठवां भी है। तो मतलब एक तरह से ये नेगेटिव घर भी है, जो कि हमको डिजीज़ वगैरह भी दे सकता है। उसको देखते हुए वो चलेगा अपना 11/7/2021 तक। तो 11/7/2021 तक हमें कहीं ना कहीं इससे जो कोविड है उससे जूझना पड़ेगा। मगर अगर इसे सूक्ष्म रूप में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जुपिटर जो है वो सैगिटेरियस में है और 14/9 तक सैगिटेरियस में डायरेक्ट हो रहा है। जब डायरेक्ट हो रहा है तो इसके मतलब जो जो रेट्रोगेट था तो उसके अंदर स्कॉर्पियो का भी, उसमें एक मतलब वृश्चिक का भी था। वृश्चिक जो न होता है, मतलब जो अपना घर होता है वो डिस्कवरी, इन्वेंशंस, इन सब चीज़ों का हाउस होता है और सातवां घर भी है, मगर डायरेक्ट होकर पूरा ये सैगिटेरियस में आ जाता है। और सैगिटेरियस में आने का मतलब क्या हो गया कि इसका जो 21/11 तक ये सैगिटेरियस में रहेगा। सैगिटेरियस मतलब आपका छठे घर में है सैगिटेरियस हिंदुस्तान का, क्योंकि तो लग्न टॉरस है, वृषभ है, और वृषभ से ये घर आठवां हो जाता है। और चंद्रमा क्योंकि कर्क में है तो ये जो अपना सैगिटेरियस है ये चंद्रमा से छठा हो जाता है। तो लग्न से आठवां और चंद्रमा से छठा दोनों अच्छा नहीं है। तो मेरे हिसाब से कोविड जो है वो इंक्रीज करेगा 21/11 तक। इट विल इंक्रीज 21 नवंबर तक, आप समझ लीजिए 25 नवंबर तक। देर विल बी एन इंक्रीज इन दी अपना कोरोना के केसेस में, और मेरे हिसाब से करीब करीब ये करोड़ तक हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ तक छूना चाहिए, क्योंकि जुपिटर जो है वो एक्सपैंड करता है। तो आठवें घर में है तो महामारी को बढ़ाएगा, छठे घर में है तो डिजीज़ को बढ़ाएगा, डेथ्स को बढ़ाएगा। अब वो कितने निकल के आते हैं, नहीं निकल के आते हैं, वो अलग बात है। और 9/8 घर है और छठा घर है, इसका मतलब हमारा जो फॉर्चून है कंट्री का वो भी इतना, जैसे फॉर्चुनेट जैसे कहते हैं, डिवाइन ग्रेस है, वो भी मतलब इतना अच्छा नहीं रहेगा 21 नवंबर तक। 21 नवंबर के बाद जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉन के घर में चला जाता है, और कैप्रिकॉन हमारे यहाँ का नवा घर है, और नवा घर से जुपिटर जो है हमारे अपने एग्जॉल्टेड हाउस को भी देखता है। हालांकि जुपिटर वीक है मगर अपनी दृष्टि से ये अपने कर्क को देखता है, मकर से कर्क को देखता है, और हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कर्क में ही बैठे हैं ज़्यादातर, सिवा मतलब राहु केतु घटा दिए, सिवा गुरु और मंगल के सारे प्लैनेट्स, हमारे 5 प्लैनेट्स आर इन द हाउस ऑफ कर्क, जो चंद्रमा का घर, और चंद्रमा भी वहीं है। तो नवंबर के बाद मेरे हिसाब से हमारा एक तरह से मूवमेंट चालू होगा, लोगों के साथ बातचीत चालू होगा। हिंदुस्तान को कम्युनिकेशन और कंप्यूटर्स में ही रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो है सबसे लोएस्ट डिग्री का है और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। तो चंद्रमा के लोग जो होंगे, हमारे यहाँ लोग जो है वो दिल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, दिमाग से कम, दिल से ज़्यादा इमोशनल। हिंदुस्तान जो है इमोशंस है और इमोशनल चीज़ों पर जुड़ा। चंद्रमा मूवमेंट का कारक होता है, लिक्विड का कारण होता है। तो हमें कहीं ना कहीं फाइनेंस में भी हमारा कंट्री को, इट शुड इंक्रीज इट्स फाइनेंशियल केबिलिटी, कि हमारे कंट्री के थ्रू पैसा इधर उधर जाए, मतलब बाकी कंट्रियों में भी फैले, एक तरह से हम एक सूत्रधार बन जाए। तो खैर, पहली चीज़ तो यह है कि कोविड इंक्रीज करेगा, 21/11 तक इंक्रीज करेगा। उसके बाद हमारा शनि जो है वो डायरेक्ट हो जाता है, और सैटर्न डायरेक्ट होता है 14/9 को, तो वो भी अच्छी चीज़ है। सैटर्न जो है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि जितने भी हमारे प्लैनेट्स नक्षत्र में, काफ़ी प्लैनेट्स सैटर्न के घर में है, और चंद्रमा भी सैटर्न के ही नक्षत्र में है, तो सैटर्न डायरेक्ट हो जाता है। और सैटर्न हमारे इसमें राजयोग कारक प्लैनेट है, तो इट बिकम्स वेरी इफेक्टिव। तो सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा तो हमारा जो फॉर्च्यून है
और जो हमारी चीज़ें होनी हैं उन चीज़ों में एनहेंसमेंट करेगा। सैटर्न जो है ये हालांकि मकर में खाली एक पॉइंट है, तो मतलब आप सोचिए कुछ बहुत चीज़ अच्छी कर दे वो तो नहीं करेगा, मगर यहाँ पर आने से एक एक बहुत धीरे धीरे एक पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ हमारी जो फॉर्च्यून है उसका एक पॉजिटिव मूवमेंट चालू होगा। और जब सैटर्न 2022 अप्रैल मई में एक्वेरियस में जाएगा, वहाँ पर जाकर कंट्री का जिसे कहते हैं 70-80% ऑफ द प्रॉब्लम्स हमारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हालांकि इश्यूज तब भी रहेंगे क्योंकि तबड़ा देश है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। तो दो चीज़ें का मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, एक तो ये है कि 14 सितंबर के बाद शनै शनै बहुत ही धीरे, मतलब अगर कुछ धीरे मतलब 8-12-13% 100 में से 12-13% अगर 100% की तेज़ी से जुड़ना है तो 10-12% की तेज़ी से काम करना शुरू होगा आदमी के, हमारी चीज़ें अच्छी होना शुरू होंगी। शनि बहुत सारे प्लैनेट्स को देखेगा, मगर राजयोग कारक प्लैनेट है तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी देगा, मगर मटेरियल उसमें एक धीरे धीरे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जहाँ तक कोविड का सवाल है, मेरे हिसाब से 21 नवंबर तक फैलेगा। 21 नवंबर के बाद दिसंबर टू मार्च अप्रैल में इसका थोड़ा सा मतलब वो होगा, क्या कहते हैं, रोकथाम, थोड़ी सी कमी, थोड़ी सी मतलब चीज़ें अच्छी होंगी। और उसके बाद जाकर आपका जब हमारी चंद्रमा शनि की दशा खत्म होगी करीब करीब 11 जुलाई 2021 के बाद, तब हम कह सकते हैं कि हमें कोविड या तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा या कुछ ऐसी चीज़ आ जाएगी जिससे हमें कोविड का भय खत्म हो जाए। तो ये दो चीज़ें मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। तो धनु जो राशि है वो वहाँ जुपिटर का है, जब तक रहेगा धनु में जब तक जुपिटर रहेगा वो है 21 नवंबर तक, तब तक कोविड एंड ऑफ नवंबर तक कोविड बढ़ेगा, डेंजर बढ़ेगा, कंट्री में टेंशन रहेगा, महामारी फैलेगी, डिजीज़ बढ़ेगी। और जब हमारा चंद्रमा नवे घर में, जुपिटर नवे घर में जाएगा, जहाँ कि वो नीच का होगा, मगर नीच का होते हुए भी क्योंकि उसके पॉइंट्स अच्छे हैं तो मैं थोड़ा सा मतलब इट विल इंक्रीज आवर फॉर्चुनेट वास्ते, सैटर्न भी थोड़ा वहाँ इंक्रीज करेगा, तो एक 10-12% की स्पीड से हम एक स्लो चाल से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। और 2022 जून तक, 2022 जून के बाद जो स्थिति होगी वो बहुत ही काफ़ी काफ़ी बेहतर स्थिति हो जाएगी। 2022 जून तक काफ़ी बेहतर स्थिति हो जाएगी और फिर 5 साल तक एक हम ठीक ठाक तरीके से आगे हिंदुस्तान की प्रेस्टीज और गेम्स इन दोनों में तरक्की होगी। ये मेरा अपना असेसमेंट है, बाकी आप लोग भी बताइए और समय बताएगा, जो समय बताएगा तो हमें आप कमेंट भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818733000 और connectingminds@gmail.com मेरा ईमेल आईडी है। shankarstudy.com मेरी वेबसाइट है। मेरे बारे में जानना है तो shankaradawal.com पे आप जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।